हेलो, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स फन पे। तो मैं आज आपको प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ प्रो कबड्डी जो 7 अक्टूबर को चालू होने वाला है, और उसमें पहली मैच तमिल तलावा वर्सेस पटना पायरेट्स। तो आप सभी जानते हैं कि पिछले साल से प्रो कबड्डी में 4 एक्स्ट्रा टीम ऐड हुई थी, जिसमें तमिल तलावा भी थी, और वो पिछले साल बहुत बेकार प्रदर्शन की थी, और शायद कि 6th और 7th पोजीशन पे वो थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मैच में तमिल तलावा के पास बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर है, जैसे रेडर में अनिल कुमार, अजय ठाकुर और जसवीर सिंह और सुकेश हिड़के, और डिफेंडर में उनके पास अमित हुडा और सुनील है। ऑलराउंडर में भी उनके पास चैन सिक पार्क है, जो साउथ कोरिया की तरफ से खेलते हैं। और दूसरी टीम पटना पायरेट्स, जिसमें पटना पायरेट्स का रेडर और जो पोस्टर बॉय के नाम से भी जाना जाता है प्रदीप नरवाल, दीपक नरवाल और विकास जोहन, ये उनके रेडर है। डिफेंडर में उनके पास विकास खर और मनीष है। ऑलराउंडर में कुलदीप सिंह और विजय है। दोनों की टीम बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैच तो कोई एक ही जीतेगा ना। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहली मैच जो होने वाली है पटना पायरेट्स और तमिल तलावाज में, उसमें तमिल तलावाज मैच जीतने वाली है। फिर से बताता हूँ, तमिल तलावाज मैच जीतने वाली है, ये 100% फिक्स है, या फिर उनके प्लेयर भी अच्छे हैं और इस साल टॉप फॉर्म में। प्रो कबड्डी कभी फिक्स नहीं होती, लेकिन मैं बताने वाला हूँ कि तमिल तलावाज यही मैच जीतने वाली है और जीतने वाली है। अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए, और अगर ये मैच तमिल तलावाज नहीं जीती तो आप इस चैनल को कभी देखिए नहीं, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो अगली मैच की रिपोर्ट आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।